मॉडर्न जमाने की अगर दुल्हन रहेगी ना जो कि राइड करती है और उसको शादी भी करना है, तो आई थिंक वो ऐसी ही रेडी होगी। मतलब आई नो जब मेरी शादी होने वाली ना, जो कि आई डोंट नो जब भी होगी, होगी भी कि नहीं हो मुझे पता नहीं, बट आई एम गोइंग टू ड्रेस लाइक दिस। मतलब इससे भी हैवी वाला गाउन रहेगा एंड अपन अपनी बाइक पे जाएंगे। बाय द वे, हे व्हाट्स अप स्क्वाड आरजीवी, दिस इज तुम जो विशाखा फ्रॉम आंची मुंबई एंड वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल रेडिकल विशाखा। रात में रॉयल एनफील्ड ने मेरी गाड़ी मतलब टक्का टक करके दे दी। जो आवाज़ आ रही थी ना, वो आवाज़ बिल्कुल ही चली गई है। इसीलिए मैंने बोला आज अपन निकाल दी अपनी बाइक, क्योंकि आज मेरी यार की शादी है। उसकी हल्दी में गई थी, मेरा कोई प्लान नहीं था आज उसके शादी में जाने का, बिकॉज अपना काम, एडिट, ब्लॉग, राइड सब था। तो मैंने बोला यार ये सब चीज़ तो होती रहेगी, बट यार की शादी अटेंड करना वो तो बनता है ना। ओल्ड कस्टम हाउस जा रही हूँ, तो वहाँ पर कार पार्किंग नहीं मिलने वाली है, एंड बाइक पे शादी में ऐसे एंट्री मारने का मजा ही कुछ और है। ओके गणपति बप्पा मोरिया, आई डोंट नो लोगों का कैसे रिएक्शन होने वाला है मुझे ऐसे बाइक चलाते हुए देखिए। बाय द वे, दिस इज लाइक द फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे कुछ अवतार में बाइक चलाने वाली हूँ। स्कर्ट वर्ड पे तो काफ़ी चलाया, बट इंडियन में पहली बार। इट्स अ वेरी मिक्स्ड काइंड ऑफ रिएक्शन दैट आई गेट टुडे। शी 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 शी, मेरे पूरे पैर में कीचड़ उड़ रही है। बाय द वे, ओह नो, आई डोंट वांट रेन नाउ, प्लीज मेरा पूरा इतना सुंदर गेटअप उतर जाएगा। वैसे भी मेकअप तो हेलमेट में लग ही गया है। ओके सो वी रीच्ड ओल्ड कस्टम हाउस, मीट आकाश माय जूनियर, यू आर जूनियर इन स्कूल, बट अभी हाइट से बिल्कुल भी जूनियर नहीं लग रहा है। पता नहीं जो मेरे से जूनियर लोग हैं ना, इतने हट्टे कट्टे रूचे लंबे कैसे हो गए। मम्मी ने बोला कॉम्प्लेन दियो। नहीं मम्मी ने कॉम्प्लेन नहीं पिलाया, बट है खून खून में, खून खून, इट्स इन द ब्लड। सो वी पार्क्ड माय बाइक हियर, आकाश की बाइक पीछे पार्क किया है। अभी यहाँ पर पार्किंग है कि पता नहीं, बट ये ही एक पार्किंग स्पॉट है जहाँ पर हमको सारी गाड़ी दिखी एंड ओल्ड कस्टम हाउस पीछे। एंड हमको लगा हम सिर्फ आधे घंटे लेट है, बट हम आधे घंटे लेट नहीं है, हम आधे घंटे जल्दी आ गए। दूल्हा दुल्हन मतलब आने को है अभी पीछे से। तो व्हाई डू आई ऑलवेज फॉरगेट कि कोरोना वायरस है। मतलब बाइक से उतर के हेलमेट उतारा तो समझ में नहीं आता कि मास्क पहनना है, एंड जब हेलमेट निकाल के बाइक से उतरती हूँ तो ऐसे लगता है यार काश हेलमेट ही पहन के मैं चलूँ। वेयरिंग अ हेलमेट आई फील इट्स मोर ईजियर देन वेयरिंग अ मास्क। सेफ्टी फर्स्ट, जिस यार की शादी है वो है विशाल एंड प्रणाली। विशाल का पता आई थॉट सबसे लास्ट में कटेगा, बट पहले ही कट गया। मिलेगा और तुम्हारे साथ ही रहेगा। एक दोस्त ऐसे चाहिए जो शादी करे बट फिर भी अपने साथ रहे। सो दीज फ्रेंड्स आर माई फ्रेंड्स, जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी तब से अलग दोस्त है। धुला इधर है, धुलन इधर है, दो विटनेस इधर है, कैमरा मैन इधर है, वी आर वेटिंग फॉर अ थर्ड विटनेस। अगर वो नहीं आएगा तो हमारे दोस्त की शादी नहीं होने वाली है। विटनेस नंबर 1, 2, 3 इसके वजह से लेट हुआ है, के वजह से विशाल की शादी लटकती, प्रणाली की शादी नहीं होती, घर नहीं बसता इनका। जरा मास्क काट कर श्री विशाल जाधव यांचा मी माझी कायदेशीर पत्नी म्हणून स्वीकार करतो। विशाल अशी प्रतिज्ञा करतो की प्रणाली कायदेशीर पत्नी म्हणून स्वीकार करतो। यू मे नाउ किस द ब्राइड। ऐसे
स्वस्थ मस्त, मतलब नो गर्दी, नो चिक चिक, नो पिट पिट, मतलब रिलेटिव्स को खाना पसंद आया नहीं आया, हॉल अच्छा है नहीं है, डेकोरेशन है कि नहीं, कोई टेंशन नहीं. दिस इज़ आई थिंक द बेस्ट शादी एंड होपफुली अपन भी ऐसी शादी करना चाहेंगे. मतलब स्वीट. अच्छा भाई, तो भाई नेक्स्ट शादी जो होने वाली है वो है प्रियंका की, उसके नेक्स्ट होने वाली है रिक्की की, फिर आकाश नर्मदा परिक्रमा मैंने किया था फेब में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर. सितंबर ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है एंड जो मेरे पास गोप्रो कैमरा था सेशन, वो फाइनली चेतन लेने को आया है. दिस इज आवर सेकंड मीट, बट ऐसे लगता है कि मतलब जन्मों जन्मों से वी नो इच अदर. सो इफ यू डोंट नो हाउ वी मेट, गो टू माय नर्मदा परिक्रमा ब्लॉग नंबर 1. दुपट्टा संभालू, मेकअप संभालू, बाल संभालू कि मेरे घाघरा संभालू, ऐसी हालत हो गई है फिलहाल. ब्लाइंड पार्क माय बाइक, क्योंकि जहाँ पर हम लोग को जाने का विशाल के घर पे, उसकी लेन बहुत छोटी छोटी है, ऐसा उतार में बाइक चला के जाना इज, देखो उधर चलो इधर. आज एक्चुअली लॉकडाउन, मतलब ऑफिशियली लॉकडाउन गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, बट लॉकडाउन जैसे कुछ लग तो नहीं रहा है. भगवान हिल्स में पीछे कैसे लेते बाइक. सो दिस इज द रीज़न वाई उन्होंने बाइक नहीं लाया, मतलब इतनी छोटी छोटी गलियों में से तो बाइक जाती है, बट फिर इतनी सब लोग की बाइक लेकर जाना, मतलब विशाल कैसे घर ड्रॉप करने जा रहे हैं, है ना, बारात बारात निकली हुई है अभी, बट बारात 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 एंड बारात सेम, बारात बिना ढोल बिना ताशे. विशाल यहाँ रहता है, मेरे को मतलब बालकनी से दिखता है पानी, इसको ऐसे बैरिकेड भी नहीं है, बालकनी भी नहीं, जस्ट इट्स देयर. मैं तो मैंने चेंज कर ली अभी, क्योंकि वो इंडियन कपड़े में इतना ज़्यादा देर, मतलब मैं नहीं टिक सकती, इसलिए मैं जब घर पे आया, कपड़े चेंज किया, खाना खाया अपन ने, और अभी एक भी एक जगह पे जा रही हूँ, मतलब अपनी जो पनवती लगी है ना अपने ऊपर, वो पनवती अपने को से हटाने के लिए वो जगह पे जाना कंपलसरी है, वरना आगे के व्लॉग से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती रहेगी अपने को. आई गेस आफ्टर द सर्विसिंग द बाइक इज रनिंग सो स्मूथ. दिस इज एक्चुअल BS6 हिमालयन, मुझे मस्त के सर का स्मूथ चलता है. अपने को जो श्राप लगा हुआ है, मतलब आवाज़ गोप्रो की रहन दो, कैमरा की रहन दो, मतलब खुद की आवाज़ भी कभी कभार लगती है कि अभी चले जाएगी, तो उस श्राप को मिटाने के लिए मेरी नानी तो ऐसे काला वाला उतर के फेंक दी थी, बट माइक को क्या करे, तो माइक कहाँ ली, कशिश फोटो मिशन में अपन आए ताकि अपना आवाज़ प्लीज़ ठीक कर दो, सारे माइक का कैमरा का, मतलब पनवती लगी हुई है अपने को अभी. Also guys, there is a good news, अपने गैजेट वाले फैमिली में एक और गैजेट ऐड हो रहा है, Insta360. दिस इज गोइंग टू बी अ ड्रीम गैजेट. आई वुड से ड्रोन की बात है, मतलब मुझे ये हमेशा से चाहिए था. किसी को ये खरीदना है तो प्लीज़ कम योर काशिश फोटो विजन. सो आई बाय ऑल माई कैमराज एंड गैजेट फ्रॉम योर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एवरीथिंग इज देयर, जाओ इनको परेशान करो, यहीं से आके लो. सो आई सो विश्ड माई कैमरा, सोनी वाला जो कैमरा था उसकी व्यू फाउंडर में मतलब इतना डस्ट लग गया था, तो मैंने बोला भाई वो भी सर्विस कर दो. माइक का ये सीन नहीं करके कल अपने को अपना रोड माइक लेके जाने का रोड के सर्विस सेंटर में, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर करूँगी एंड इट इज़ देयर एंड वारंटी, कुछ भी प्रॉब्लम होता है इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग इट वो सीधा रिप्लेस हो जाएगा. आई थिंक रिप्लेस वाली चीज़ें सी नई नई आती रहे तो अच्छा लगता है, तो सीधा एक दिन का वेट होगा. आई थिंक आई विल वेट वन मोर डे. मुंबई का पूरा नक्शा ही बदल गया है अभी, एक अपने का राइड जाने का प्लान है, बट वही हो जाती है ना कि अडाप्टर है नहीं, तो बिना अडाप्टर के मोटर ब्लॉक कैसे करे. एंड व्हेन इट कम्स ऑन हाईवे यू कैन नॉट राइड एट द स्पीड ऑफ 10 and 20, एंड मोटर ब्लॉक करो एंड राइड करो, ऐसे हो जाएगा यू इधर राइड और इधर यू मोटर ब्लॉक. कैमरा भी बाय द वे अपने फाइनल कर लिया है कौन सा लेने का, बट वो अगेन आउट ऑफ बजट आ रहा है. ऐसा हो रहा है कि जो कॉस्ट है वो कॉस्ट की या नई हिमालयन आएगी या तो एक नया कैमरा विथ लेंस आएगा, तो बाइक के पैसे का कैमरा टफ चॉइस है, दोनों में से टफ है. मतलब तुम लोग क्या बोलते हो, एक नया बाइक लाइक अ ब्रांड न्यू हिमालयन और अ ब्रांड न्यू कैमरा विथ लेंस, हाई क्वालिटी कंटेंट देखना है या हिमालयन देखने का है, नहीं हिमालयन देखने का है. मेरा बस चले तो मैं दोनों ले लूँ, बट बस चलने के लिए बस चलना पड़ेगा ना. लॉकडाउन में समझ में आ गया अपने को करके एक ही
बिजनेस से, मतलब एक ही जॉब से, एक ही ऑक्यूपेशन से कुछ नहीं होगा. यू नीड एटलीस्ट अ बैकअप. कुछ हो जाता है तो घर में सबके मुंह उतर जाते हैं. मतलब शैडो अगर नहीं खाएगा तो मेरी मम्मी भी नहीं खाती है खाना. चलो मैं तो खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बाहर निकलना होता है, बट माई मॉम डजंट नीड. तो सबसे ज़्यादा थोड़ा हम लोग उसका ही देते. वाओ, लुक एट द स्वैग लड़की का. सिग्नल लगा हुआ है, वहाँ तक बंदी चली गई है और बिना हेलमेट के. ओ हो 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 हो. बाहर में गिरूँ या ना गिरूँ, बट मेरे कंपाउंड में तो मैं पक्का गिर सकती हूँ. मतलब ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का अलगे है ना, उसमें मेरी कल गाड़ी ऐसी गंदी वाली स्लिप हो गई थी. मैं मस्त गेट से निकल के मचाते हुए यहाँ पर आई थी, सीधा ऐसे गाड़ी नागिन डांस. आई वॉज लाइक भाई साहब आराम से लो, आराम से लो. तो यहाँ पर तो मैं एक दो की स्पीड पर ही चलाती हूँ. ऐसे लगता है मुझे करके जो ब्लैक आइस है ना, वो देखो अभी भी फिसलती थी. जो ब्लैक आइस है वो वहाँ पर चलाना इज़ ईजी, बट यहाँ पर कंपाउंड में चलाना इज़ सो टफ. अभी मेरा भाई बोलेगा कार निकालने के लिए पहले मेरे को बाइक निकालनी पड़ेगी तेरी. डबल काम भाई को लगा देती हूँ मैं. बाय, थैंक यू, आई लव यू टू. ओ आई लव यू मोर, बट नो आई लव यू मोर, एक्चुअली आई लव यू बोथ. लड़ो मत यार, तुम दोनों को मैं इक्वली प्यार करती हूँ. नसीब कशिश नहीं है, वो तो मेरे ऊपर मतलब ऑटोमेटिक गाड़ी चालू करके सीधा आंग पे चाह जाती थी.